हेलो दोस्तों, मेरे और एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं निर्मल सरकार और आप देख रहे हैं निर्मल सरकार वांच। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को उमानंद टेंपल दर्शन कराने लेके आए हैं। तो ये जो टेंपल है ये गुवाहाटी में उजान बाजार में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का बिल्कुल बीचों बीच है। तो इसमें जाने के लिए आप लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं अभी फिलहाल बोट का घाट में हूँ और इधर 20 रुपया टिकट लगता है एक पर्सन को। तो मैं टिकट तो ले लिया, तो बोट छोड़ने में अभी काफी टाइम है। बोट 11 बजे छोड़ेगा, काफी टाइम है, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं 1 घंटा बाद मिलता हूँ डायरेक्ट बोट पर। तो चलिए आज का ये टेंपल साथ में दर्शन करते हैं। दोस्तों हमारा बोट चल चुका है, देखिए मैं भी लाइफ जैकेट पहन लिया हूँ क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। ये सब लोग जैकेट पहन लिया है। तो हम लोग जाने वाला है अभी उमानंद टेंपल। वो देखिए पीछे उमानंद टेंपल। तो चलिए वहां जाके मिलते हैं। तो गाइस हमारा बोट मंदिर का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों पानी कितना तेज लहर से जा रहा है क्योंकि इधर काफ़ी डीप है दोस्तों। तो आप लोग लाइफ जैकेट जरूर पहनिएगा बोट पे। तो वो देखिए बोट का स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुका हूँ मंदिर का मेन गेट पे। ये देखिए मेन गेट। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये देखिए मंदिर पे ओम लिखा हुआ है क्योंकि ये शंकर भगवान का मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी गेट के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 रोड मिलता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो अगर आप लोग को राइट साइड लेना है तो स्टेप चढ़ के जाना पड़ेगा और लेफ्ट साइड में आप लोग को प्लेन रास्ता मिल जाएगा। तो हम अभी लेफ्ट साइड लेके जा रहा है। तो गाइस आप लोग को कभी भी गुवाहाटी आना हो तो इस मंदिर में ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी आश्चर्यजनक भी है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी का बिल्कुल बीचों बीच है। तो आप लोग ज़रूर इस मंदिर को विजिट कीजिए। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका मन भी अच्छा हो जाएगा और आप लोग जो भी मन्नतें मांगेंगे भगवान आपको पूरा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी सारा लोग ऊपर चढ़ रहा है, देखिए स्टेप चढ़ चढ़ के। तो आप लोग भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, मतलब 50% ऊपर आ गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, चलिए आपको दिखाता है। ये देखिए दोस्तों ये मंदिर अभी बन पड़ा है। तो ये हनुमान मंदिर है, तो अभी बंद पड़ा है, मालूम नहीं क्यों बंद है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, मतलब मंदिर को बना रहा है और यहाँ पे एक डस्टबिन भी रखा हुआ है। तो आप लोग अगर इधर कुछ फेंकना हो तो फेंक सकते हो। और ये देखिए भैया कुछ कपड़ा से कुछ तो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो चलिए आगे जाके नज़दीक से देखते हैं। तो गाइस यहाँ से फिर से आपको स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से ऊपर वो गेट दिखाई दे रहा है, वही है हमारा उमानंद टेंपल। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, श्री श्री उमानंद मंदिर अपना स्वागत हम, मतलब उमानंद टेंपल पे आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोग फूल वूल ले सकते हो और इधर चप्पल रखने की भी जगह है, चप्पल भी रख सकते हो। तो और इधर एक रेस्ट्रिक्शन बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए जूता निकाल दे। तो मंदिर पे तो जूता निकाल के ही जाना है। तो चलिए अभी स्टेप्स को पार करके ऊपर चलते हैं। वो देखिए मेन गेट दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये है अपना उमानंद टेम्पल का मेन गेट। तो ये देखिए माजी फोटो खींच रहा है और यहाँ पे देखिए बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या
बीवेयर ऑफ लो बीम, तो आप लोग को थोड़ा संभल के आना है, तो नहीं तो आप लोग अगर सिर पे चोट लग सकता है तो ये तो बहुत ही गलत होगा। तो ये देखिए लोग सब अंदर जा रहा है, तो हम भी चलते हैं अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस ये देखिए राइट साइड में एक छोटा सा मंदिर है और ये है अपना मेन मंदिर, और यहाँ पे देखिए लोग सेल्फी ले रहा है। और ये देखिए इतना बड़ा त्रिशूल लगा हुआ है और ये सा वो मंदिर जो देखिए लोग पूजा कर रहा है। और ये था अपना मेन गेट, और यहाँ पे देखिए काफ़ी पेड़ लगा हुआ है और सोलार भी लगा हुआ है। तो लोग देखिए मंदिर के अंदर जा रहा है, तो हम भी चलेंगे। और गाइस ये देखिए लेफ्ट साइड में, हाँ ये लेफ्ट साइड में भी एक छोटा सा मंदिर है, तो लोग उधर भी दर्शन करने जा रहे हैं देखिए। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं मंदिर के अंदर, तो आप लोग को हम भगवान का दर्शन कराते चले। तो गाइस ये देखिए अपना भगवान का जो मूर्ति है वो काफ़ी नीचे है, तो क्योंकि इधर बहुत अंधेरा है गुफा में। तो गाइस ये था उमानंद टेम्पल जो ब्रह्मपुत्र नदी का बीचों बीच है। तो आप लोग को ये वीडियो मेरा कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।